सोम शांति हो रही नहीं, सभी ध्यान मुद्रा लें। वी शुड स्टार्ट ओम चैंटिंग फॉर 6 मिनट्स टाइम। सभी आंखें बंद करें, ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए एंड स्टार्ट।
सभी आंखें बंद करके रखें, रिलैक्स फोरहेड, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, जबड़े टाइट ना हो, आंखें कॉल नीची हुई ना हो, कर रही है ना। और सबसे पहले अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले आए। बी फोकस टू योर ब्रेथ, पूरा ध्यान टिका हुआ नासिकाओं पर और सांसों के प्रति सजगता। हर आती और जाती सांस के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, साक्षी रहें। धीरे धीरे सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें, गेट क्लोजर टू योर ब्रीदिंग, इतने करीब अपनी सांसों के चले जाएं कि अब आप इन सांसों के थर्मल सेंसेशंस को, आती सांस की ठंडक और बाहर जाती सांस की गर्माहट को, एवरी ब्रेथ कमिंग इन इट्स कूलनेस एंड एवरी ब्रेथ गोइंग आउट इट्स वार्मनेस कैन बी फेल्ट एट द ओपनिंग ऑफ बोथ नॉस्टल्स। दोनों नासिकाओं के छिद्रों पर सांसों के थर्मल सेंसेशन को सभी महसूस करें, फील करें, फील करें। सांसें जिनके साथ सभी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मंद होती हुई सांसें, पतली शिथिल, और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन जो इस वक्त शांत होता हुआ, गोइंग इन टू डीप साइलेंस, शांत शांत शांत, तन स्थिर, मन शांत होता हुआ, और हमारी चेतना और कॉन्शियसनेस ट्रांसेंडिंग फर्दर फ्रॉम बॉडी टू माइंड, माइंड टू इंटेलेक्ट। अब ध्यान को नासिकाओं से हटा कर ले आए दोनों ही आंखों के बीच में। आगे चक्र पर सभी फोकस करें अपने आप को, द डिवाइन विद इन, थर्ड आई ऑफ विजडम, चेतना अब और आगे बढ़ती हुई, तन से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से स्वयं की तरफ, टुवर्ड द सेल्फ। सभी प्रकृति के मध्य में अब अपने सत्य स्वरूप को, बिंदु रूप को, ज्योति के स्वरूप को देखें, फील करें। शरीर को चलाने वाली मैं एक ऊर्जा, शक्ति, मालिक, करावनहार, रथी, ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, आप जुड़ चुके हैं अपने आप से, विद द ट्रू सेल्फ, विद द रियल सेल्फ, द ऑथेंटिक सेल्फ, सोल कॉन्शियसनेस।
सेल्फ रियलाइजेशन, योग का अर्थ होता है मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, सेल्फ का सुप्रीम सेल्फ से मिलन। अब सभी विजुलाइज करें, पूरा फोकस है आप अपने भ्रुकुटी के मध्य में, चारों तरफ लाइक एन अम्ब्रेला, एक छतरी की तरह अनंत असीम शक्तिशाली किरणें, इनफिनिट रेज ऑफ पावर, सभी देखें फील करें। मैं अब इन शक्तिशाली किरणों को रिसीव कर रही हूं, बहुत ही गहराई से इसका अनुभव करें। इन किरणों के सानिध्य में अपने आप को संपन्न, भरपूर, मोर फुलफिलिंग, समृद्ध होता हुआ देखें, फील करें इफ यू आर गेटिंग एम्पावर्ड अंडर द शावर ऑफ ऑलमाइटी, द रेज ऑफ पावर। ये वो शक्तिशाली किरणें हैं जो आपको हील कर रही हैं। हर समस्या का समाधान एकांतवास के उन लम्हों में, अंतर्मन की उस आवाज में, व्हाट वी कॉल इज द डिवाइन पावर विद इन, सशक्त होते हुए देखें अपने आप को, गेटिंग एम्पावर्ड, एनलाइटेन्ड एंड रिच्ड, मोर फुलफिलिंग, परमात्मा के शक्तिशाली किरणों के बाहों के रूप को देखकर सभी महसूस करें, मैं परमात्मा ज्ञान गुणों शक्तियों से संपन्न होता जा रहा हूं। आई एम गेटिंग एम्पावर्ड, एनलाइटेन्ड एंड रिच्ड, मोर फुलफिलिंग। फील करें सभी, ये सब धीरे से दोनों श्रेणियों का दर्शन करें। रवि बोध पाम फोर्सिबली आप देख सकते हैं कि 15 मिनट की ओम चैंटिंग एंड मेडिटेशन से आपके हथेलियों में टेंडरनेस, मुलायमपना, अब दोनों हथेलियों को ले जाकर आंखों को ढांकें, जस्ट कप योर आईज, डोंट टच इट, इसको पामिंग कहा जाता है योग के लैंग्वेज में, विच हील्स योर आईज, आंखों की ज्योति को बढ़ाता है पामिंग, आंखों को रिलैक्स करता है, ऑप्टिक नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। और अब धीरे से दोनों हथेलियां नीचे ले आए और आंखें खोले। यस विजय जी, विजय लक्ष्मी, मोस्ट वेलकम, आई एम मिसिंग यू, वी आर मिसिंग यू, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, कहाँ गए थे आप? कश्मीर गई थी। अरे वाह, मैं कम से कम 20 बार कश्मीर गया हूँ, 20 बार, 20 टाइम्स, मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन फर्स्ट टाइम था जी। ऐसी हसीन वादियां हैं कश्मीर की, ऐसी फिजाएं हैं वहां की, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत एंजॉय किया है मैंने कश्मीर की वादियों में, हमेशा ही वहां शांति है। वैसे शांति तो हमारे अंदर है, बाहर किधर शांति नहीं है। नहीं नहीं, बाहर आपको इसलिए शांति महसूस हो गई क्योंकि आप शांत थे उस वक्त, व्हेन यू वर देयर एंड यू रिफ्लेक्टेड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, अच्छी बात है वो। देखिए अब हम जो इतनी बातें कर रहे हैं आज, लोग इवन कल भी छुट्टी के दिन भी मुझसे पूछ रहे थे आज क्लास है क्या, 3 फोन आए मुझे, दैट मींस आई एम एंजॉयिंग दिस सेशन वेरी मच। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में ले जाऊंगा। सारी किताबें देखा आप लोगों ने? हाँ मैंने देखा सब अभी।
मैंने हाँ ना जी वो भाई किताब जी, शेयर नहीं की एक भी, जो करीबन करीबन 12-13 किताब मैंने पढ़ी है वॉन डायर की, वॉन डायर, उसके बारे में पता है आपको? स्टोरी में बताता हूँ हमेशा ही, वॉन डायर, किसने की किताब पढ़ी है वॉन डायर की? यस, बहुत ही जबरदस्त राइटर, कैसे उन्होंने किताब गेटिंग लिखना शुरू किया है ना, वेल उस स्टोरी में बताऊंगा आपको। यस प्लीज, अगेन, गेटिंग वेल अगेन, ये पढ़ी है किताब कोई नाम किसी ने? हाँ, पावर ऑफ इंटेंशन शायद। पावर ऑफ इंटेंशन, वेरी ट्रू। देखो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, सबसे पहली पहली किताब आज मैंने चेक किया है उनकी, अवेलेबल है किताब अमेजॉन पर। देखिए वॉन डायर, तीन बच्चे थे माँ बाप को, सबसे बड़ा बच्चा वॉन डायर, उनके पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया, तीनों बच्चे छोटे थे। वॉन सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का उस समय, ओ सॉरी 4 साल का, और जब उसने देखा कि मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ा है, तीनों बच्चों को भी छोड़ दिया है और पीछे पलट कर कभी नहीं देखा, वान के अंदर में अपने ही बाप के प्रति नफरत की वो अग्नि जलने लगी। और 35 साल तक, 4 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक, वॉन नफरत की आंधियों में जलता रहा बाप के प्रति। उसको मालूम पड़ा कि मेरा बाप गुजर चुका है। उसने जहां जहां उनको दफनाया जाता है वहां ढूंढा, और उसको पता चला मेरे पिता को यहाँ दफनाया गया है। गाड़ी लेके 2 घंटे के रास्ते पर वॉन डायर गए उस ग्रेवयार्ड में, गाड़ी से बाहर निकला और उसने है ना उसके बाप के ग्रेवयार्ड पर बहुत ही जोर से ऐसे दोनों मुक्के मार के बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस किया कि मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। तूने मेरी माँ के साथ धोखा किया है, बच्चों के साथ धोखा किया है, तूने एक बार हमारी फैमिली को छोड़ा तो तूने फिर कभी पलट के नहीं देखा कि हम कैसे हैं, तूने हमको बचपन में अनाथ छोड़ दिया। बहुत 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 2 घंटे तक वॉन डायर ने, जिसको उसकी तलाश थी कि मेरे पिताजी की डेड बॉडी पर भी मैं अपने आप को इमोशनली आउटबर्स्ट करूंगा, 2 घंटे पूरे वहां पर था वो। वहां से उठकर गाड़ी की तरफ आया, गाड़ी में बैठा, उसको आवाज आई अंदर से, वॉन ये क्या कर रहे हो तुम, क्या मिला है तुझे, आज तुम्हारा शरीर भी तुम्हें साथ नहीं दे रहा है। 35 साल का बहुत ही बल्कि उसका बॉडी, बहुत ही मोटा, शादी भी उसके नहीं हो रही थी। तो वान ने फिर गाड़ी का दरवाजा खोला और ग्रे एट पर वापस गया और उसने कहा कि डैड, आज के बाद मैं जब भी आपको याद करूंगा आपको प्यार भेजूंगा, प्लीज फॉरगिव मी, आई प्रॉमिस यू हैंस फोर आई से मैं लव टू यू ऑल द टाइम। गाड़ी के अंदर आया, बैठा गाड़ी में, फिर चला अपने घर की तरफ। घर में पहुंचा तो उसकी जो अंतर आत्मा जाग चुकी थी, उसी रात उसने एक किताब लिखना चालू की और वो किताब जितनी बिकी है आज तक कोई किताब नहीं बिकी है। 3.5 करोड़ किताब वॉन डायर ने 1978 में बेची है, 3.5 करोड़, 3.5 या 35 मिलियन बुक्स ही सोल्ड आउट। योर एरोनस जोन्स, पहली पहली किताब है उनकी, कि हमारी जिंदगी में अगर हम असफल रहते हैं, नाकामयाब रहते हैं, तो हमने चारों तरफ ऐसे जोन्स को खड़ा किया है ना जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके बाद उसने किताबें लिखना चालू की, एक के बाद एक किताब, जैसे भी गोदी ने बताया योर पावर ऑफ इंटेंशन, बहुत सारी किताबें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब लिखी है उसने, तो सारी किताबें कल मेरे पास यहाँ नहीं थी, फैक्ट्री में मैं पहले बहुत पढ़ता था, अभी काम का जिम्मेदारी ज्यादा है तो मैं ऑफिस में बैठता ही नहीं, एंटायर टाइम सिट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टेकिंग केयर ऑफ माई फैक्ट्री, उसको संवारना है, इसलिए मैं फैक्ट्री में बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करता, छोड़ दिया है सब काम बिल्कुल।
अंदर ऑफिस में बैठा था 40 साल तक, अभी आई कैन नॉट सिट देयर, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी मच इंक्रीज इन द फैक्ट्री नाउ। तो मैंने चलिए उन किताब को कल ले आऊंगा, रेफर करूंगा, उसमें से कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगा मैं। लेकिन योर एरेना जोन जो किताब है, पहली बड़ी किताब है, मैंने यहाँ पर आने के पहले चेक किया तो वो किताब अवेलेबल है, मैं आपको उसकी लिंक भेजूंगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं योर एरेना जोन, नहीं तो फिर मैं उसके थोड़े निकाल के हाईलाइट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। समझ आया सभी को? योर एरेना ऑनलाइन जोन मिलती है बाय क्या वॉन ये डायर। यस शिखा बहन बोलो। ऑनलाइन मिलती है क्या हाईलाइट भी बता दीजिए आप, क्योंकि पढ़ने में ना ऑनलाइन पढ़ा नहीं जाता सर मोबाइल अभी से। थोड़ी याद है वो किताब मैंने पढ़ी है कम से कम 20 साल पहले, 15 साल पहले। जब भी आप पढ़े ना तो हाइलाइट्स निकाल लिया करिए और फिर मैं हमें निकालूंगा पॉइंट्स क्योंकि वगैरह। टाइम आजकल थोड़ा कम मिलता है। एक ना मैं को बताऊं, मेरे पास कल है ना ऐसा जबरदस्त, ऐसा मेरे को ना आधी रात को भी ऐसे सडनली मोबाइल पे मैं खोलता हूँ ना, मेरे को वो चीजें मेरे सामने आ जाती है जो मुझे लोगों आपको बतानी है। कल मैंने मोबाइल खोला ना सुबह को, तो मेरे पास एक ऐसा चीज हाथ में लगी है जिससे आपका जो गैस्ट्रिक ट्रबल है, हम सभी 60 के प्लस वाले लोग हैं ना, तो हम है ना खाना पचा नहीं पाते हैं, खाना खा तो लेते हैं रात को सुबह ढलने के बाद में, लेकिन पचा नहीं पाते हैं, बहुत सारा गैस तैयार होता है, बर्पिंग साउंड आती है, ब्लोटिंग होता है, और वो गैस जीआरडी के रूप में ऊपर ऊपर चलता है। तो बहुत अच्छा मेरे पास में वो आई है, वो भी मुद्रा के रूप में और भी रूप में, तो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने ले आऊंगा कि आप वो मुद्रा करके ना कितना भी खाना आपने खाया है, ओवर ईटिंग किया है, तला हुआ खाया है, पार्टी में ज्यादा खा लिया है, फीलिंग वेरी मच अपसेट, नींद भी बिगड़ती है ना, वो नींद भी बिगड़ती है उससे, यू कैनॉट हैव स्लीप, क्योंकि क्या आप ज्यादा भोजन खाओगे तो ज्यादा पेट में आपका ब्लड जाता है, फिर यहाँ पर ब्रेन में ब्लड नहीं होने की वजह से यू कैनॉट स्लीप प्रॉपरली। और जो गैस जैसे ऊपर आता है जीआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगल रिवर्सल डिसऑर्डर, तो जो ऊपर आता है खाना एलिमेंट्री कैनल में, जीआई ट्रैक में, वो एक्चुअली आपको बचाता है, तो कई बार वो निकल के नाक में चला जाता है, मुंह से बाहर आ जाता है। तो मैं इसका बहुत ही अच्छा तैयारी करके मैं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ गुरुवार को माउंट अबू, तो वहां पर इसका सारा मैं स्टडी करके आऊंगा, और जब वापस आऊंगा तो हम पहला पहला सेशन इस पर ही लेंगे, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ब्लोटिंग, डकार, गैस, एसिडिटी, और जो ऊपर चढ़ता है। आपको ऐसा मैं बताऊंगा ना कि जबरदस्त आपको उसका इलाज में बताऊंगा इसका, ठीक है? चले आगे, अब हम चल रहे हैं। सबसे पहले पहले मुझे ये बताइए कि हम जो भी चीजें यहाँ पर सीख रहे हैं मेटाफिजिक्स में, जिसके फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ के हर एरिया को बदलना चाहते हैं, चाहे वो मेरा स्वास्थ्य है, चाहे मेरा संबंध है, रिलेशनशिप है, चाहे मनी है, चाहे खुशी है जिंदगी की, या फिर सफलता है किसी भी एरिया में, सफलता 5 एरियाज हमारे लाइफ की होती है। देखो पहले पहले बताया मैंने, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, सक्सेस, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, और एक गोल रिक्रिएशनल गोल्स हो सकते हैं, बाहर कहाँ मुझे घूमने को जाना है, स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं, तो कुल 7 एरियाज। हाँ एक 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 और बात याद आई है मुझे, जैक कैनफील्ड की किताब किसने पढ़ी है? जैक कैनफील्ड इज ए कैरेक्टर ऑफ सीक्रेट, जैक कैनफील्ड नंबर वन ट्रेनर माइंड पावर, जैक कैनफील्ड, कौन सी किताब पढ़ी लोधी जी बोलो? वो नाम याद नहीं आ रहा, नाम क्या कहते हैं, बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास भी, किताब उसकी एक ही एक ही किताब, एक ही बुक पढ़ी है, उसकी एक बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी बीच में, ईएफटी की बुक, जैक कैनफील्ड ने और एक सिस्टर के साथ वो किताब लिखी है, मेरे पास है वो किताब, आई शेयर दैट आल्सो। हर चीज जो हम देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे दिवाली दिख रही है, ईयरफोन दिख रहे हैं, कानों की बालियां दिख रही हैं, चश्मा दिख रहा है, राइट? हर चीज क्या है?
What is everything, what our eyes can see? What is that? Energy कह सकते हैं हर चीज को. Everything is made up of energy. Everything is energy around us, living or non-living. Right? So, energy is one. Energy cannot be two. Only one energy. अभी जो को हम energy आत्मा के नाते हम energy हैं. परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है. लेकिन आत्मा और परमात्मा में बिंदु जो है वो दोनों सेम है. बिंदी परमात्मा असीम है, अपरंपार है, इनफाइनाइट है. हम भी इनफाइनाइट है लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट में. तो नंबर टू जो आपको बात जाननी होगी कि एनर्जी एग्जिस्ट एवरीवेयर. नंबर वन. नंबर टू इज एनर्जी इज ओनली वन. नंबर थ्री, एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है. उसका सिर्फ फॉर्म बदली होता है. एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड कैन नॉट बी क्रिएटेड इट्स फॉर्म चेंजेस. अगर आपने जमाई है पानी से उसको नॉर्मल टेम्परेचर रखोगे तो पानी बन जाता है. उसको फ्लेम पर रखोगे अग्नि पर तो फिर वाष्प बन जाती है, स्टीम बन जाती है. ओनली द डिस्टिंक्ट चेंजेस. राइट. अभी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, हेल्थ इज एनर्जी, मनी इज एनर्जी, रिलेशनशिप इज एनर्जी, आपका खुशी एक एनर्जी है, या फिर मैंने बताया पांचवा जो एरिया है सक्सेस और रिक्रिएशनल गोल्स चाहे स्पिरिचुअल गोल्स हैं, सात एरिया टोटल. तो सभी को अट्रैक्ट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे. मुझे बहुत धन चाहिए, मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, बराबर. मैं जहां घूमने जाना चाहता हूँ मेरा गोल पूरा हो जाए. राइट. जिंदगी में कश्मीर जरूर 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 देखना. जिसने नहीं देखा है ना जरूर देखना कश्मीर. किसने नहीं देखा है कश्मीर, हाथ ऊपर उठाओ. अरे बाप रे, किसी ने भी नहीं देखा है. मेरी तीन बार देखा है और तीनों बार देखा है. हनीमून में भी मैंने वहां किया था, मुझे इतना पसंद है. भाई जी मैंने तीन बार देखा है. तीन मैंने कम से कम 20 बार देखा होगा. मैं ब्रह्मकुमारी आने के बाद सेवाओं के लिए तो मैं पर तो सेवाओं के लिए गया हूँ मैं कश्मीर में. और वहां से फिर आगे सेना के लोग हमको गाड़ी देते थे तो हम आगे जाके यहाँ पे इवन लद्दाख तक दोबारा मैं गाड़ी में गया हूँ. स्पेशली आर्मी का गाड़ी में दो जन हम दो फ्रेंड्स यहाँ से दो फिर बहने आई थी वहां से दिल्ली से अपने प्रोग्राम वहां किए थे लद्दाख में. यस. तो एनर्जी को हम किस टर्म में मेजर करते हैं बताइए मुझे. हाउ एनर्जी ऑफ सिमिलर टाइप कैन बी अट्रैक्टेड बताओ एनीबडी. बोलो कोई भी. यस मीता आपको बोलना है कुछ. हाँ सर, हम विजुलाइजेशन टेक्निक या अफर्मेशन से कर सकते हैं एनर्जी को अट्रैक्ट कर नहीं सकते. वो जो है ना वो जो आप बोल रही है ना ये सब तरीके हैं अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए. अफर्मेशन है, विजुलाइजेशन है, बिलीफ्स हैं. राइट. तो एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए either you call it as a frequency or you can call it as a vibration. Right. हम अगर एनर्जी को अट्रैक करना चाहते हैं, एनर्जी को हम रिपेल कर रहे हैं. क्यों रिपेल कर रहे हैं? बिकॉज द एनर्जी आर नॉट मैचिंग. एनर्जी मीन्स एवरी एनर्जी हैज गॉट द फ्रिक्वेंसी आर वाइब्रेशन. राइट. तो हमको किसी भी चीज को अट्रैक करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए हम कैसे अपनी एनर्जी को एमिट कर सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया वेयर वी कैन एमिट द एनर्जी. और जब द टू एनर्जीज मैच द वाइब्रेशन मैच द फ्रिक्वेंसी वी अट्रैक्ट. राइट. हमारा पूरा परिश्रम या पूरा वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि व्हेन द एनर्जीज मैच यू अट्रैक्ट यू मैनिफेस्ट. जब तक एनर्जीज मैच नहीं होती हैं नाइदर यू कैन अट्रैक्ट नॉर यू कैन मैनिफेस्ट. राइट. जैसे मुझे बहुत अच्छा एक सेंटेंस याद आ रहा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी का एक बहुत ही सुंदर सेंटेंस
कई साल पहले मैंने पढ़ा है, मुझे आज तक याद है. योर प्रेयर्स कैन नॉट बी आंसर्ड अनलेस देयर इज अ रेपो इन द कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड. आपके बाहरी मन में एक है, अंतर मन में दूसरा है, दोनों में भिन्नता है, राइट? तो आप के अगर रेपो नहीं है, कॉन्शियस एक बात कहता है, जागरूक मन अंतर जगत दूसरा बात करता है, जब तक दोनों आपस में रेपो में नहीं आते हैं ना, आप कोई भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. आप क्या चाहते हैं? मैं अच्छा स्वास्थ्य चाहता हूं, लेकिन अंतर्मन क्या बोलता है? तेरी उम्र हो गई, दस बीमारियां लगी हुई है, तू तो कभी ठीक ही नहीं होती है, इतनी दवाइयां करके देखी, राइट? द्वंद है ना, देयर इज नो सिनोनिमस इन द कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. तो दोनों को मैच करने के लिए क्या मैच करनी होगी हमें? फ्रिक्वेंसी, राइट? तो बताओ मुझे चार बातें जहां से हम फ्रिक्वेंसी को एमिट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. व्हाट आर द फोर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम विच वी कैन एमिट द एनर्जी एंड वी कैन आइदर हम वो अपने गोल्स के पास जा सकते हैं उसको ट्रैक करने के लिए, फिर गोल्स से दूर हो जा सकते हैं. कौन सी वो चार बातें हैं? कम ऑन टेल मी, बोलो. नंबर वन, जो हम चाहते हैं वही हमें सोचना है. वेरी ट्रू. नंबर वन बात आ गई. वो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आगे आएंगे हम. यू आर ऑल्सो वेरी राइट. लेकिन पहला जो है ना, हम एवरी थॉट हैज ए क्रिएटिव एनर्जी. एवरी थॉट हैज ओन वाइब्रेशन. एवरी थॉट वी थिंक हैज गॉट ए फ्रीक्वेंसी. पहला गया. नंबर टू, वही सोचे और जो सोचे वही देखे. जो सोचे वही देखे, ऑफकोर्स वो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस है. वो व्हाट यू कैन विजुलाइज यू कैन एक्चुअलाइज. व्हाट यू कैन सी इन द माइंड यू कैन सी इन द प्रैक्टिकल फील. उसको विजुलाइजेशन कहते हैं. वो भी उसका प्रोसेस है. गोल बेनिफिशिएशन का प्रोसेस है वो. मेरा सवाल क्या है, दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जहां से हम अपने अंदर वो फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम अपने गोल्स के नजदीक जा सकते हैं. नंबर टू, नंबर वन इज अ थॉट. हर विचार के साथ में, यस, बोलो विजय लक्ष्मी. थॉट पॉजिटिव, वो थॉट आ गया ना, पॉजिटिव या नेगेटिव है. पॉजिटिव अलग फ्रिक्वेंसी होगी, नेगेटिव अलग फ्रिक्वेंसी. फीलिंग्स, वेरी ट्रू. नंबर टू सेकंड आंसर, वेरी गुड. थैंक यू. आ गया फीलिंग, यस करेक्ट. तीसरा भी आ गया, बिलीफ्स, वेरी ट्रू. थॉट और बिलीफ में क्या फर्क है, बोलो सर. दूसरा क्या बोला आपने पॉइंट? पहला थॉट्स है, दूसरा फीलिंग्स है, तीसरा बिलीफ्स है. अब मेरा सवाल मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पॉइंट को, थॉट और बिलीफ में क्या फर्क है? बिलीफ भी तो थॉट ही है ना. मेरा बिलीफ है कि मैं जरूर कामयाब होऊंगा. मेरा बिलीफ है कि मैं जब तक इस प्लेटफॉर्म पर रहूंगा मेरा ज्ञान बढ़ता चलेगा. मेरा बिलीफ है कि जब तक मैं आप लोगों के सामने एज ए मेंटर आते रहूंगा मैं अपने जीवन में दुआएं प्राप्त करता चलूंगा. दीज आर माय बिलीफ्स, है ना, हमारी मान्यताएं. मान्यताएं और आगे बोलो. मान्यताएं, हाउ द थॉट बिकम बिलीफ्स. बिलीफ एक थॉट ही है, जो मैंने अभी बोला सब थॉट है ना. मेरा विचार है, इस प्लेटफॉर्म पर मैंने बहुत कुछ पाया है. मैं हमेशा इन लोगों को गाइड करते हुए अपने आप को दुआओं से संपन्न भरपूर करता रहूंगा और अपने ज्ञान को और भी ज्यादा रिफ्रेश करते हुए. जो जो किताब मैंने बहुत किताबें पढ़ी है आपको, मैंने जो कल दिखाया ना वो हार्डली 400 किताब है आउट ऑफ माय 100 व्हाट आई रेड ना. 25% सिर्फ मैंने शेयर किया है. मेरे को पता भी नहीं कहाँ क्या पढ़ी है. मैं अभी तक पढ़ता नहीं हूँ. आई ओनली गो फॉर द सर्च इन दिस गूगल में या यूट्यूब में सर्च करता हूँ आजकल. यस, चौथी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट्स. रिपीटेशन सवाल है. थॉट्स बिलीफ्स कब बनते हैं? एक्शन. तो चार बातें, थॉट्स, फीलिंग्स, देन बिलीफ्स,
और चौथा है एक्शन, राइट। हमको इन चारों पर ही काम करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे की जाना है ना, तो सबसे पहले मुझे बताओ बिलीफ भी थॉट्स ही हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस इन थॉट्स एंड द बिलीफ्स? यस, देखो बिलीफ इज अ थर्मोस्टेट, व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव इन योर लाइफ, ये पैरामीटर है जो आपको पता बताएगा कि आप जिंदगी में क्या अचीव करने जा रहे हैं। आपको बिलीफ है कि मेरे भाग्य में नहीं है, आपको बिलीफ है इट्स टू लेट, आई विल नेवर गेट इट, इट इज नॉट इन माय फॉर्च्यून, मेरे भाग्य में ही नहीं है, तो क्या होगा? आपके गोल्स कभी नहीं आपके बेनिफिट हो सकेंगे। बिलीफ आस्क, हमारा विश्वास, बिलीव यकीन करो और फिर पाओ, आस्क बिलीव रिसीव। तो बिलीव्स आखिर कैसे चेंज करें? मेरा बिलीफ है कि मैं कभी भी धनवान नहीं बन सकता, मेरे पास पैसे की सदा तंगी रहेगी, मैं सदा ही पैसों के लिए लड़ा हूं, आई वॉज ऑलवेज लैकिंग द फाइनेंशियल फ्रीडम, आई वॉज ऑलवेज लैकिंग द मनी, मैं हमेशा गरीबी रही हूँ, या मैं मुझे धन की कभी सहूलियत सुविधा नहीं रही। अगर मेरे ऐसे बिलीव्स हैं तो हाउ आई कैन अट्रैक्ट मनी इन माई लाइफ, हाउ आई कैन बी एबंडेंट, जो मैंने बताया ना एक बहुत अच्छा एफर्मेशन बताया मैंने आपको धन के बारे में, कि मैं धन दौलत और प्रचुरता से संपन्न हूँ, मैं धन दौलत और प्रचुरता से पूरे विश्वास के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फिर मेरे चारों तरफ धन का स्रोत है, मैं उस धन को आकर्षित कर रहा हूं, मैं उस धन को प्राप्त करते हुए कृतज्ञता का एहसास कर रहा हूं, और लास्ट में मैं उस धन की प्रचुरता को मैं लाइफ में एंजॉय कर रहा हूं। ये अलग अलग एफर्मेशन मैंने बताया था आपको धन के लिए, ऐसा हम हर एरिया बना सकते हैं, आप रिलेशनशिप में बना सकते हैं, लेकिन एक ही एरिया में एफर्मेशन बनाना या उसी को ही फोकस करना, जैसे हेल्थ है ओनली हेल्थ, जैसे वेल्थ है ओनली मनी, जैसे ओनली रिलेशनशिप है, या फिर हमको लाइफ में पांचों ही एरियाज में, सातों ही एरियाज में एफर्मेशन बनाने चाहिए, बिलीफ्स इंप्रूव करने चाहिए। अगर आपका बहुत सारा धन आ जाए लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं आपके पास में, बहुत सारा धन आ जाए, आपका नेचर बहुत गंदा है, पति से झगड़ा करते हो, आपके घर में कोलाहल है, आपके घर में बहुत ज्यादा इंडिसेंसी आप करते हैं, तो धन के आपको सफलता दे सकता है, वो धन आपको खुशी दे सकता है। मैं आपको क्या बताऊंगा कि एफर्मेशन है ना हर एरिया में बनाएंगे हम, पर पहले मुझे बताओ एक साथ बना सकते हैं, एक साथ बना सकते हैं एक के बाद, जैसे हेल्थ एट ए टाइम हर एरिया में एक एक बना सकते हैं। यस वी कैन ऑल द एरिया, अगर आपको संपन्न होना है ना तो एक एरिया में धन बहुत ज्यादा आ जाए, मेरा सेहत ही ठीक नहीं रहता है, रात को सो नहीं पाता हूँ, मुझे कैंसर हो गया है, तो क्या फायदा उस धन का? अभी समझो मेरे पास धन भी है और स्वास्थ्य अच्छा भी है, लेकिन मेरा नेचर बहुत रूड है, आई वेरी मच इल ट्रीट द अदर पीपल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, आई डू नॉट, आई कैन नॉट लव देम, आई कैन नॉट एक्सेप्ट देम द वे दे आर, तो फिर क्या है? द गोल ऑफ एवरी गोल, द गोल ऑफ एवरी गोल इज द एक्सपांशन ऑफ हैप्पीनेस। अगर धन बढ़ रहा है तो मेरी खुशी बढ़नी चाहिए, संबंधों में अगर हारमनी है तो मेरी खुशी बढ़नी चाहिए, मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है लेकिन स्वास्थ्य आ रहा है तो उससे मेरी खुशी बढ़नी चाहिए। द एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिफरेंट एरियाज इज टू हैव द मोर, क्यों धन ज्यादा चाहते हैं? रिलैक्स रहे हम, निश्चिंता रहे, बच्चों के लिए सिक्योर, मतलब जो भी है। यस, नाउ टेल मी अगेन व्हाट इज द डिफरेंस इन थॉट्स एंड द बिलीफ्स? बिलीफ के बगैर तो कुछ नहीं मिलेगा, मैंने बताया ना अंदर बिलीफ नहीं, बाहर क्या चाहते, लाइफ इज ब्यूटीफुल, आई एम लिविंग द लाइफ ग्रेसफुली, अंदर मन में क्या है, तेरी सास खड़ूस है, तेरी पत्नी निकम्मी है, बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं,
तो जो अंतर द्वंद है, बाहर आप क्या चाहते हो और अंदर आपके बिलीफ क्या है, बिलीफ द थॉट विच हैज बीन एक्सेप्टेड एज ट्रू बाय द सबकॉन्शियस माइंड, इसको मान्यता है कहते हैं हम, तो गोल्स कैन बी अचीव. पता मुझे हाउ द गोल्स, हाउ द थॉट्स कैन टर्न इनटू बिलीफ्स, विचार बिलीफ्स कैसे बनते हैं? बाय पॉजिटिव अफर्मेशन. वेरी करेक्ट यू आर. क्या बिना एफर्मेशन के, बिना एफर्मेशन के हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं क्या? नहीं. शिखा बहन सेज नो, नहीं कर सकते सर. यस लोधी जी आप बोल रहे हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं. वेरी राइट यू आर. विजुलाइजेशन है, विजुलाइजेशन इट इज वन ऑफ द अगेन टेक्निक, देयर आर टूल्स टू अचीव द गोल्स. विजुलाइजेशन नाउ वी आर टॉकिंग ओनली ऑन अफर्मेशंस, नॉट ऑन द विजुलाइजेशन, अनदर टूल ऑफ अट्रैक्शन. अगर बिलीव है तो आप बोल के नहीं करोगे अफर्मेशन, लेकिन आपके थॉट्स एंड जैसे भीतर से अफर्मेशन ही होगा. अगर आपको बिलीव है, विश्वास है कि ये होगा ही, तो आप उसके लिए उसी तरह से सोचोगे कि ये मेरे लिए ठीक होगा ही. ललिता बहन बिल्कुल सही बता रही हैं कि अगर मुझे पूरा विश्वास है, जैसे बाबा ने संडे की मुरली में क्या बताया, कौन बताया मुझे, शिखा बता सकती है संडे की मुरली बाबा ने क्या बोला है? संडे की, यस संडे की मुरली थी, यस. क्या बोला है बाबा ने कि अगर तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान जुड़ा हुआ है तो सफलता क्यों नहीं मिलती है? Why you're worried? विश्वास की कमी, इस बात का एहसास नहीं है कि वो सर्वशक्तिवान मुझसे जुड़ा हुआ है. Absolute faith, belief. अगर है, why the problems are there? निश्चिंता क्यों नहीं है? निश्चय बुद्धि क्यों नहीं है? Yes. अगर मेरा माइंड सेट पूरा अच्छा है कि मैं मरते दम तक अपनी सेहत को खुद मेंटेन कर सकता हूँ बाय डूइंग सर्टेन एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, मुद्रास वगैरह वगैरह, व्हाट एवर इट इज, तो नेचुरली आप अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करोगे ही करोगे. एफर्मेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है. एफर्मेशन उनको लिखना होता है जिनके बिलीफ नहीं है. आपको पता है कि योगासन करने से, प्राणायाम करने से, मुद्राएं करने से, मेडिटेशन करने से, सर मुझे एक बात करने से एक बात शेयर करना चाह रही हूँ सर, इसी संदर्भ में. करुणा जी, यस 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 प्लीज बोलिए. सर मुझे ये बताना है कि 2004 की बात है ये, मुझे यूएस जाना था, तो उसके लिए मैंने ये अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन किया था वीजा मिलने के लिए. मतलब उसमें मैंने एक पिक्चर देखा था कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, सब लोग मुझे सी ऑफ करने के लिए आए हैं और मैं एरोप्लेन में बैठ के चली गई हूँ. इस पिक्चर को मैंने बहुत बार देखा और अफर्मेशन बहुत बार की, तो सर वो हुआ, वो क्या हुआ? ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट है वो. इसी पर तीन बातें, विश्वास इस पर ही था कि मैं ऐसे करूंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा, क्योंकि किसी ने भी नहीं बोला था कि वीजा मिल जाएगा. सबके मतलब यही था कि बहुत मुश्किल है यूएस का वीजा, बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे अंदर से पूरा विश्वास था कि मुझे मिल जाएगा. बहन जी आपने तो ये सब किया ना, बहुत अच्छी बात है. वेरी राइट यू आर. मैंने तो कुछ नहीं किया. मेरे को मेरे क्लास में वो लड़के के नाना जी आए, मुझे पांव पड़े, मुझे कहा बलराम सर आप इतना अच्छा योगा कराते हैं, मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरी बेटी और दामाद अमेरिका में, बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, आप प्लीज वो ठीक कर दो. तो मैंने कहा कि ठीक तो भगवान करता है, अगर भगवान मुझे निमित्त बनाना चाहते हैं तो आई एम रेडी टू कम विथ यू. सैन फ्रांसिस्को में रहते थे वो लोग. तो मैंने थोड़े दिन पहले माउंट आबू में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, वहाँ एक ना मुझे एक जो वीजा वगैरह बना दिया कोई, एक बहन जी वहाँ मिली, तो मैंने उनको फोन लगाया कि मुझे अमेरिका जाना है और मुझे वीजा चाहिए. तो उन्हें कहा कि आपके पासपोर्ट में कितने ठप्पे हैं? मैंने कहा पासपोर्ट 7 साल पुराना, मैं आज तक किसी विदेश में गया नहीं हूँ. There are no stamps. I have never gone out. तो उन्होंने क्या बोला पता है आपको? बोला बलराम जी आपको डायरेक्ट अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा,
तो मैंने अपने मन में कहा कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मुझे अमेरिका का वीजा जरूर मिलेगा, ये मन में बोला। और बहन जी को बोला फोन रखो नीचे, मैं उससे बातें बात करता हूँ। उसके बाद मैंने उसको क्रॉस कर दिया, इसके बाद जाना ही नहीं है। और फिर है ना आपको बताऊं मैं कि इतना कॉन्फिडेंस था मैं कि उस व्यक्ति ने मेरी टिकट पहले ही बुक कर दी, लड़के के नाना ने। मेरे क्लास में आते हैं सेंटा क्रूज में, आते थे, अभी तो क्लास बंद है 4 साल से कोरोना के बाद में, तो उन्होंने मेरी टिकट भी निकला दी। अभी वीजा का ठिकाना नहीं है, टिकट आ गई हाथ में, राइट। तो मेरा इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू था, और वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे जरूर वीजा मिलेगा। मैंने काय का अफर्मेशन, काय का कुछ नहीं किया, आई वाज डैम, मतलब मेरा माइंड सेट था आई विल डेफिनेटली गो टू यूएसए। तो एक ब्लैक अमेरिकन ने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं पहले बोल के गया था कि मैं सच बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सच, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। लोगों ने बोला झूठ बोलना मत, बच्चे के जा रहे हैं तो अमेरिका के डॉक्टर का बेकार है, वहां पढ़े हुए तू जा रहे हो बच्चे को ठीक करने के लिए। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ब्लैक अमेरिकन ने मेरे इंटरव्यू लिया, वो लेडी थी, उसने कहा कि वही हो गई क्यों जा रहे हैं वहां। मैंने कहा बच्चे को मदद करने के लिए, आई एम लाइफ कोच, आई एम योगा एक्सपर्ट। तो उसने मुझसे कहा कि आर यू श्योर कि आपकी मदद से बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो अपने भगवान को साथ में ले जा रहा हूँ, मैं गॉड विद मी। वो इतनी इतनी उस बात को लेकर खुश हो गई ना, वो ऐसा हाथ बाहर निकाला और मेरे को हाथ पिलाया, वी ग्रांट यू द वीजा फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर नाइदर एफर्मेशन नॉर विजुअलाइजेशन, माई माइंड सेट वॉज देयर कि आई एम डेफिनेट, जब अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ और भगवान मुझे निमित्त बनाकर भेज रहा है तो आई डेफिनेट। तो ये भाई जी आपका बिलीफ था ना, आपका बिलीफ था ना, इसीलिए आपकी बिलीव भी नहीं, माइंड सेट, इट्स नॉट अ बिलीव, इट्स अ माइंड सेट। मेरा माइंड बिल्कुल उस बात को मान चुका था कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मुझे वीजा मिलेगी। दृढ़ विश्वास था, बिल्कुल फर्म बिलीव था कि मुझे होश मैं जाऊंगा और सब कुछ। हम क्या बोलते हैं, माइंड सेट, माइंड सेट, माई थॉट्स वेर पॉजिटिव with my goal, with my intention, my beliefs are there in corresponding them, my action was that. और फिर मैं, मेरे को बहुत लोगों ने बोला झूठ बोलना झूठ बोलना झूठ बोलना, मैं घूमने जा रहा हूँ उनके यहाँ जा रहा हूँ, वहां से सारा मेरे को आ चुका था कि भाई हम इनको यहाँ अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, हमारे यहाँ आके रहेंगे, सब कुछ लिख के भेजा लेटर उन्होंने मेरे को, मैं वोटर लेटर भी लिखे गया था, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला वहां पर, मैं बच्चे को मदद करने के जा रहा हूँ। But I'm expert in the healing, this thing, therapies. So I was granted the visa. Yes, Vijayalakshmi, बोलो अभी Vijayalakshmi. मुझे मैं तो याद है शंकर का भाई, याद है शंकर भाई आपको क्लास में याद है, साउथ इंडियन शंकर, जितना उनके ध्यान नहीं उनका, उनके नाती के पास गया था मैं। अच्छा अच्छा हाँ बोलिए बोलिए सर जी, मैं बताने जा रही थी, हंसने वाली बात है मगर मैं यूरोप जाने के लिए जब फर्स्ट टाइम, मेरा तो पहले पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं था, जब गई तो मेरे मिस्टर बोलते हैं हाँ तुम जा रहे हो ऐसी बैरिंग वापस कर देंगे, तो मैं मिलने वाला नहीं, उन्होंने बोला और मुझे इतनी चिढ़ लगी, मैं बोली हाँ मैं तो प्लेन में बैठी हूँ और ये बोलते मिलेगी नहीं, और मैं गई उसने एक ही क्वेश्चन ऐसे पूछा कि आप क्यों जाना चाहती, मैं बोली दुनिया देखने का सबको शौक होता है मुझको भी है, और उसने तुरंत ही स्टैम्प लगा के दे दिया, आगे कुछ पूछा ही नहीं, एक ही सेंटेंस में। ऑल द माइंडसेट, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, विजुलाइजेशन अफर्मेशन क्यों करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं, माइंडसेट को पक्का करने के लिए, राइट। नाउ सबसे पहली पहली बात जो है ना, आपको हर चीज को, उस विचार को, उस बिलीफ को, उस फीलिंग को, उस एक्शन को ऐसे करना है जैसे वो चीज हो चुकी है। यू टू सी एवरीथिंग विद द एंड रिजल्ट, See everything with the end result. ये होगा नहीं, ये हुआ है मेरे साथ में। वही देखा कि मैं तो प्लेन में बैठी हूँ। Yeah, very true. हो चुका है, मतलब ये तो काम हो चुका है ये वाला, ये चीज़ फॉलो। हाँ, मैं प्लेन में बैठी हूँ, वीजा मिलना ना मिलने का बात ही नहीं, तो बहुत आगे निकल गई। Very true. तो सबसे पहली पहली बात है ना ये है कि आपको ऐसे सोचना है as if it is done, जैसे वो हो चुका है, जैसे आप अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप को जी रहे हैं,
आपका धन की प्रचुरता है, यू आर एंजॉयिंग दैट, या फिर आपको आपको जो हैप्पीनेस की एरिया है या फिर उसके साथ सक्सेस है वो आपके कदमों में है, दिस ऑल यू टू यू हैव टू बी फर्म ऑन दैट। तो सर हमें वर्तमान काल में ही देखना है ना, सोचना है वर्तमान प्रेजेंट टेंस में, हमें प्रेजेंट टेंस में तो सोचना है लेकिन विद द एंड रिजल्ट, विद द एंड रिजल्ट। जब आप अमेरिका जाओगे वहां क्या क्या देखोगे उसको देखना शुरू करो, फ्यूचर देखना हो राइट। सेकेंड टाइम जब मुझे शिकागो का और ओरेगॉन जहाँ पे आचार्य रजनीश थे, दो जगह से मुझे आया ऑफर काउंसलिंग का, तो मैं अपनी बीवी से बेनता प्यार करता हूँ, मैंने कहा मैंने तो अमेरिका देखा लेकिन मेरी बीवी ने नहीं देखा, तो फिर मैंने नहीं देखा या आधा ही देखा है क्या ना। तो फिर है ना मैंने कहा कि मैं इस बार अपनी मिसेस को लेके आना चाहता हूँ, उनके हाथ का खाना हम सब खाएंगे, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और दोनों जगह उनको लेकर पूरा एक महीना हम यूएसए में थे। वहां भी मैंने कुछ रिजर्वेशन नहीं, कुछ अफर्मेशन नहीं, सिर्फ मैंने कहा कि इस बार मैं अमेरिका अपनी बीवी के साथ जाऊंगा, और ब्रह्मकुमारी के सारे हमारा पीस विलेज है यूएसए में, वो मैं देखूंगा, अमेरिका के सारे सेंटर्स, सारे रिट्रीट सेंटर जो भी हैं सैन फ्रांसिस्को में, हर जगह मैंने प्रोग्राम किया, हर जगह शिकागो में, इवन वृद्धाश्रम में मैंने प्रोग्राम किया, everywhere I did the programs, everywhere. तो उसके लिए कुछ रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी, बस एक विचार आया कि मैं यही वहां जाके करूंगा, and it got manifested because I was very going with a very 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 जिसको कह सकते हैं great enthusiasm. Yes, दो चीजें यूनिवर्स को कभी नहीं पूछनी चाहिए, कौन सी है प्लीज टेल मी, कैसे होगा, कब होगा, क्यों? Yes, number one is how. धन कहाँ से आएगा? WH funding. सेहत कैसे सुधरेगी? संबंधों में टकराव कैसे मिटेगा? जिंदगी खुशी कैसे बढ़ेगी? सफलता कैसे मिलेगी? Number one is never ask how. Number two. कब मिलेगी? सफलता कब मिलेगी? When? Very correct. ये दो चीजें you should never ask the universe, how and when. आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, सिर्फ अपने माइंडसेट को तैयार करना, सिर्फ उस पर काम करना, सिर्फ उस पर काम करना, सेंटेंस बोल रहा हूं, कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो, उस पर काम करना, वेरी ट्रू, उसके लिए पूरी मेहनत करना, सही है क्या ये? यू शुड वर्क वेरी हार्ड फॉर योर गोल्स, इज दिस राइट स्टेटमेंट? आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, इज दिस स्टेटमेंट राइट? राइट 100% राइट, 100% राइट। किसने जवाब दिया है? ललिता बहन ने, यस। यूनिवर्स को मेहनत अक्षर ही पसंद नहीं है, व्हेन यू आर फाइटिंग फॉर योर गोल्स, you're aspiring and doing lot of hardships, workmanship after that. The universe want everything with the effortless ease. When you are doing everything with effortless ease, it does it. Universe, it does it. Universe, अगर आपको देखेगा ना बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, यूनिवर्स बोलेगा जब तू ही सब कुछ कर रहा है तो मैं क्यों हूं तेरे आगे, जा तू ही करते बैठ। हमारा काम क्या है, उस एंड रिजल्ट को देखना, उसमें जीना, उसको देखो, तीन बातें। नंबर वन, आपको कोई भी गोल है, बार 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 आपका उसकी तरफ पूरा फोकस जाना चाहिए, यू शुड टोटली फोकस टू योर गोल द एंड ऑफ दैट गोल। नंबर टू, यू शुड हैव अ स्ट्रांग बिलीफ इन इट, ये मेरा जरूर होकर रहेगा, आई एम बाउंड टू गेट इट, एनी हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट। और तीसरा क्या है बताओ? फर्स्ट इज व्हाट, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन। महंगाई बहुत है, बिजनेस बढ़ नहीं सकता, पैसे की तंगी सदा रहेगी, ये सब जो बातें हैं ना, ये आपकी उस फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं कर रही हैं जहां पर धन है।
धन की फ्रीक्वेंसी अलग है और लैक ऑफ फाइनेंस, स्केरसिटी ऑफ वेल्थ, वो एक प्रॉब्लम है और प्रचुरता एक सलूशन है. सलूशन की फ्रीक्वेंसी एक होती है और प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी एक होती है, सलूशन की फ्रीक्वेंसी दूसरी होती है. जब तक दोनों फ्रीक्वेंसी को आप मैच नहीं करोगे ना, आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे. समझ आया आपको? मेहनत नहीं करनी है, लेकिन जो भी करना है ना, मोहब्बत से करना है. चाहे एफर्मेशन कर रहे हैं, चाहे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मैं आपको बहुत आगे बहुत डिटेल्स में ले जाऊंगा आपको मैं. चाहे हम जो है बिलीफ बनाने जा रहे हैं या एक्शन कर रहे हैं, एवरीथिंग should everything whatever you are doing na, should raise your frequency, should raise your vibration, you then only you will be able to go to closer to your goals achievements. Samajh aaya? Now ek bahut achhi baat aapne ek baar ek pehle bataya ki bar bar hum us goal ko dekhe, dusra hai ki believe kare ki wo hame milega hi milega, aur teesra kya baat batayi aapne goal ko paane ke liye, apne achieve karne ke liye kisi bhi. वो आपके लिए एक ऐसा सपना है जिसको आपको हर रोज साकार होते हुए देखना है. माय ड्रीम हैज फुलफिल्ड. यू टू लिव इनटू दैट ड्रीम एवरी डे विजुलाइजिंग करना है. पैसा आने के बाद क्या क्या करना चाहोगे, कहाँ कहाँ खाते खोलने चाहोगे, किस कहाँ कौन से शहर को विजिट करना चाहोगे, दैट एवरीथिंग स्टार्ट मेकिंग राइटिंग इन योर दिस विशेस में. ठीक है. नाउ लास्ट थिंग, एक बहुत अच्छी किताब मेरे पास आज और एक मुझे आई है कि एक व्यक्ति ना बहुत बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार, और उसने बहुत ज्यादा काम किया अपने ऊपर और वो पूरी तरह ठीक हो गया है, पूरी तरह. उसकी एक कई सारे कोटेशंस भी मैंने देखे आज थोड़े से ऊपर ऊपर से, वो सब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा. उसका एक कोटेशन आपको आज बताऊंगा. वो जो कहते हैं, उसका नाम डॉक्टर जो डिस्पेंजा है. डॉक्टर जो डिस्पेंजा वो क्या कहते हैं, आप जो सोच रहे हैं अपने बारे में उससे कहीं ज्यादा महान है आप. व्हाट वी थिंक अबाउट अवर सेल्स They are much greater than what we think of ourselves. Number one. Number two, उनका जो quotation है वो क्या होता है कि हम जितना अपने आप को समझते हैं ना शक्तिशाली, उसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हम हैं. We are more powerful than what we know about के how much powerful we are. Number three, वो क्या कहते हैं, हम अनलिमिटेड है उतने ज्यादा कि जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की होगी. आज मैं आपको ना यहाँ पे एक शेयर करूंगा, एक वीडियो, मैजिक्स एंड मिरेकल्स ऑफ लाइफ. मेरा सबसे ज्यादा वीडियो देखा गया है मैजिक्स एंड मिरेकल्स ऑफ लाइफ. माइंड पावर के ऊपर वीडियो है. जैसा ही ये सेशन खत्म होगा ना, वो जरूर देखना, जरूर जरूर देखना वो वीडियो. माउंट अबू में ही मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल में मतलब वो मेन इसमें लेक्चर दिया है वो. तो टाइम इज अप नाउ. मैं फटाफट समराइज करता हूँ. एनर्जी इज वन, एवरीथिंग मेड ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज द फॉर्म. जब सिमिलर टाइप की एनर्जी होती है तो अट्रैक्ट करती है. एनर्जी के लिए एक वाइब्रेशन होता है, उसके लिए एक फ्रिक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं तो हम अट्रैक्ट करते हैं. वो किसे बनती है, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ्स, और चौथा होता है एक्शन. क्या होता है, एक्शन. राइट. यूनिवर्स से फिर हमने क्या देखा, कौन सी एरियाज बताओ, पांच एरियाज, सात एरियाज बताओ, चलो पांच तो बताओ कम से कम, बोलो कौन कौन से एरिया में गोल बनाने होंगे हमको. नंबर वन बोलो, हार्मोनी. Number two, relationship. Social, spiritual. Number three,
नंबर थ्री हारमोनी मनी मनी हारमोनी रिलेशनशिप रिलेशनशिप पहला 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 स्वास्थ्य है संबंध है तीसरा धन है और चौथा क्या है सफलता सक्सेस और पांचवा है खुशी और स्पिरिचुअल राइट तो कहीं जाना है घूमने रिक्रिएशनल गोल्स कहते हैं जैक एंड फील की बहुत पुरानी बातें मुझे याद आ रही जैक एंड फील में वो छठवां बोलता था रिक्रिएशनल गोल्स एंड सातवां है स्पिरिचुअल गोल्स राइट आया समझ में चले मैं सब जो भी आपको सिखाया गया है मैं उसका राइटअप बना के वीडियो के साथ आपको शेयर कर दूंगा राइट इसके लिए जो भी हाईलाइट्स है ना यशिका बोल रहे कुछ बोलना है आपको आपको अनम्यूट है और म्यूट पे है आप सर, आप बोल रही हैं हाँ बोलो अभी बोलो नहीं सर बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए बस थैंक यू अंदर से खुशी हो रही थी अच्छा लग रहा है बस आपका चेहरा बता रहा है नहीं सर बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद ये सब चीजें सुनने को मिल रही है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है लाइफ एकदम से नहीं वी आर द जीनियस आपको आप मेरा वीडियो देखोगे ना लाइफ इज मैजिक एंड मिरेकल्स हैपन मैजिक एंड मिरेकल्स ऑफ लाइफ का वो वीडियो है मैं शेयर करूंगा तुरंत इसके बाद में आप वो जरूर 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 देखना वीडियो ठीक है सर सर बहुत ही मोटिवेटिंग लेक्चर है वो दिनों से ना जब सुना नहीं था तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि नहीं हो सकता लाइफ चेंज नहीं हो सकती रिलेशनशिप सही नहीं हो सकते लेकिन फिर दोबारा से सुन के लग रहा है कि नहीं वी कैन डू एवरीथिंग देखो मतलब... एक बात मैं बोल रहा हूँ मैं जी ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर किसी का कोई पर्सनल मोटो नहीं है कोई स्वार्थ नहीं है राइट और जो निस्वार्थ का काम करता है ना भगवान उसके साथ जुड़ा रहता है तो बलराम इज नॉट अलोन विथ यू आई एम ऑलवेज कनेक्टेड यू विथ माय सुप्रीम फादर समझा सर्वशक्ति के साथ मैं कनेक्टेड हूँ और मेरा हमेशा इंटेंशन रहता है कि मैं जब भी इस प्लेटफॉर्म पर आऊँ ना आपको कुछ ऐसा देकर जाऊं ना कि आपके दिल को बात लग जाए उस दिन की भी उस लेक्चर की भी ऐसा मैं इंटेंशन लेके यहाँ पर आता हूँ समझे आपने तो अभी हम बहुत जल्दी मैं माउंट आबू जा रहा हूँ अभी वेडनेसडे आऊंगा मैं वेडनेसडे में आऊंगा फिर गुरुवार को रात को मैं जा रहा हूँ और फिर वापस आऊंगा गणपति का पहला पहला दिन है ट्यूजडे को मेरा फ्लाइट है वहां से तो बुधवार को क्लास मैं लूंगा या नहीं लूंगा आपको बताऊंगा घर में गणपति रख रहे हैं 5 दिन के लिए तो फिर मैं आपको यहाँ का भी सब दर्शन कराऊंगा आरती का भी चलेंगे तो लाइव पे आएंगे हम लोग भले सीखेंगे नहीं लेकिन आपको सभी को आरती में शामिल करूंगा राइट थैंक यू ठीक है ना ओके मैं जो शेयर कर रहा हूँ करूँ ना यस सर ओके और है ना थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना कि नेगेटिव बात विचार आता है ना कट 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 कैंसिल 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 और फिर वो कहो जो आप चाहते हैं जैसे मैंने वीजा के लिए एक थॉट को रिप्लेस किया ना मुझे वीजा जरूर मिलेगा मेरी सेहत जरूर अच्छी होगी मुझे संबंधों में जरूर मिठास मिलेगी मेरे घर वालों से मेरी हारमोनी जरूर रहेगी ऐसा है ना अपने मन के संकल्पों को चेंज करो चेंज करो चेंज करो और हम बहुत डिटेल्स में अगली बार बात करेंगे एक एक चीज पर इसके एफर्मेशन विजुलाइजेशन मेडिटेशन एवरीथिंग आई विल कवर सो ब्यूटीफुली ठीक है क्योंकि यहाँ तो ना आपने पैसा दिया है ना मैंने लिया है वी आर नॉट बाउंडेड बाय द टाइम 10 सेशन 15 सेशन 20 सेशन यहाँ तो अनलिमिटेड है काम ना आप भी अनलिमिटेड से अनलिमिटेड साथ बैठे हैं और मैं भी अनलिमिटेड के साथ में जुड़ा हुआ हूँ तो वी आर नॉट टाइम बाउंड है ना जब तक हैं जुड़ते रहेंगे आपको कोई बात ऐसी अच्छी लगती है कहीं से भी ना इवन यू कैन शेयर जैसे आज काफी अच्छा शेयरिंग हुआ है मुझे भी बहुत अच्छा लगा है ठीक है सर एक मैं इस बात शेयर करना चाहती हूँ यस यस प्लीज आपने जो कान की जो टेक्निक्स बताई थी ना वो मैंने करने के बाद मेरा मशीन तो आ गया लेकिन मेरी श्रवण इंद्रिया इतनी पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है तो अब क्या करें मशीन को पहने नहीं पहने समझ में नहीं आ रहा है मुझे एक मिनट क्या बोला आपने फिर से बोलो बिना मशीन के आपने जो टेक्निक बताई थी वो करने पर मेरे कान की श्रवण इंद्रिया पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है और अब मैं मशीन कैसे करूं यूज नहीं करे तो बच्चे लोग भी चिल्लाते हैं और मैंने कहा मुझे बराबर सुनाई दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं
नहीं नहीं देखो क्या है एक्चुअली, वो क्या चाहते हैं कि आप बराबर सुने, वो ये नहीं चाहते कि मशीन से सुने। अगर आप ऐसे ही बराबर सुन सकती हैं तो आप बार बार प्रैक्टिकल पे ले आओ कि डोंट यूज दैट मशीन। अगर आप उसे कंफर्टेबल हैं व्हाट दे वांट यू शुड लिसन इट प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली लिसन कर रही है देन कोई उसको कोई अर्थ ही नहीं है। कोई मीनिंग नहीं है पहनने का, कौन सी हाँ